जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की ओर से अप्रेंटिस के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है बिना किसी गलती के। इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊँगा, स्टेप बाई स्टेप कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें बेसिक जानकारी दे दूं, जैसे कि अप्रेंटिस की वैकेंसी है, इसमें जो टोटल वैकेंसी दी गई है 3612 वैकेंसी दी गई हैं। जॉब लोकेशन की बात करें, ऑल इंडिया में जॉब लोकेशन रहेगी, अप्रेंटिस की वैकेंसी है। लास्ट डेट की बात करें 27 जून 2022 लास्ट डेट रखेगी। ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है, जिसका मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊँगा। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, इस पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप हमारा फल हो चुका है, आप सेकंड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें कोई फीस नहीं रखेगी, फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। इसके लिए जो आपके फॉर्म है आज से ही शुरू हो चुके हैं, 28 मई से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 27 जून 2022 लास्ट डेट रखेगी। एज की बात करें, 18 से 25 से 24 साल इसमें एज रखी गई है। देखिए, जो आपकी वैकेंसियाँ, ये आपकी वैकेंसी देख सकते हैं आप, फीटर में आपकी टोटल वैकेंसी 941 वैकेंसी है, वेल्डर की 378 वैकेंसी है, कारपेंटर की 221 वैकेंसी है, पेंटर की 213 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक की 209 वैकेंसी है। यहाँ से आप अपनी ट्रेड वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं 3612 वैकेंसी दी गई हैं। अब मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाता हूँ, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। देखिए, ये वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। मैं आपको मोबाइल से अप्लाई करके दिखाऊंगा, यहाँ से अप्रेंटिस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप, जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक हेयर अप्ली ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से देखिए, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ से अपनी ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ से आपको क्लिक हेयर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपनी स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है, डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ से आप आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे, आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालना है, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में है। उसके बाद यहाँ से अपना फादर हस्बैंड का नाम आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल, जो भी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे आप, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिलअप करनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो ये सुनो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, उसके बाद नीचे आना, आपको एक्स सर्विसमैन है तो ये सुनो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आईटीआई पास ट्रेड की क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालनी है आपको, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से वह इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, जो भी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हो सक्सेसफुली हो जाता है। देखिए, मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। उसके बाद यहाँ से क्लिक हेयर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आप, उसके बाद जो आपके पास पासवर्ड सेंड किया गया यहाँ पर पासवर्ड डालना है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी हो सेंड किया गया है, यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको ओल्ड पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ से अपन न्यू पासवर्ड एक बना सकते हैं, कन्फर्म करेंगे पासवर्ड को। उसके बाद यहाँ से अपडेट पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही अपडेट पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फिर से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप दोबारा लॉगिन करते हैं उसके बाद आपका नाम दिखा देगा, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, उसके बाद आपकी ट्रेड दिखा देगा, वायरमैन के लिए आपने अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, डिवीजन वर्कशॉप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप वर्कशॉप देना चाहते हैं। उसके बाद सेवर
प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ से बोर्ड अथॉरिटी यहाँ पर आप डाल देंगे, अपने कोड यहाँ से आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी नेम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद नेम ऑफ द एग्जामिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर डालना है, किस ईयर यहाँ पर की थी आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जैसे ही यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ पर आप SSC और मार्कशीट का नंबर है यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद नीचे आना आपको मार्क्स GPG जो भी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, ऑफ टैंक्स मार्क्स यहाँ पर डालने, ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पर और भी क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही क्वालिफिकेशन डालते हैं उसके बाद यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद स्टेट आपकी दिखा देगा, पिन कोड यहाँ पर आप डाल देंगे, टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको डालनी है इलेक्ट्रीशियन के लिए जैसे आपने अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ से आपको वायरमैन की पोस्ट के लिए, उसके बाद किस ईयर आपने ITI हो पास किए यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिस ईयर आपने ITI हो पास किए। उसके बाद यहाँ से आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है आपको, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर डालना है, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क डालेंगे, उसके बाद ऑफ टैंक्स मार्क डाल देंगे, परसेंटेज आपकी खुद उठा लेगा। उसके बाद यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से अपने सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद नीचे आएंगे आप, यहाँ से अपनी 10th क्लास की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है आपको। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ के लिए अपनी 10th क्लास की मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद और नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से NCVT SCVT का सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड प्रोसीड पर फिर से क्लिक करना है आपको। देखिए जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपके फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखा देगा, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, उसके बाद आपकी कैटेगरी, आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ से आपने कहाँ पर अप्लाई किया है, बॉम्बे डिवीज़न में अप्लाई किया आपने, यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन आपको दिखा देगा, इन्हें आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आना आपको, यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आपको दिखा देगा, इस एड्रेस को आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ से आप चेक कर लेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड आपकी, वायरमैन की, यहाँ से किस ईयर आपने 10th क्लास ITI पास की है, यहाँ से आपका सर्टिफिकेट नंबर और अप टैंक स्मार्ट टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से आपका फोटो दिखा देगा, आपके सिग्नेचर दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं ये यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद नीचे आना आपको, देखिए उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ से आप इन्हें आई एग्री पर आप इन्हें क्लिक करेंगे। आप जैसे इन क्लिक करेंगे देखिए कुछ भी एडिट करना चाहते तो यहीं से एडिट कर सकते हैं आप, इसके बाद आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी को अच्छे चेक करना, तभी आपको सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपका फॉर्म हाउस सबमिट हो चुका है, यहाँ से अपनी फीस आपको वेरी पेमेंट करनी है, यहाँ से मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको थोड़ा वेट कर लेना है, देखिए आपको रिडायरेक्ट दिया जाता है पेमेंट के ऑप्शन पर, यहाँ पर अपनी फीस आपको पे करनी है। यहाँ से आप जैसे चाहे वैसे अपनी फीस पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे चाहे वैसे यहाँ से आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। जैसे मैंने नेट बैंकिंग से करनी है तो यहाँ से आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको यूज़र ID नाम डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करके अपनी फ़ीस आपको पे करनी इसमें। देखिए जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद यहीं से अपना प्रिंट आउट आप निकाल के अपने पास रख लेंगे फ्यूचर के लिए। ऐसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना फ्यूचर में ऐसी कोई अपडेट पाने के लिए। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में।